सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों ने 5 सितंबर को महापंचायत का ऐलान किया है। ये महापंचायत शहर के GIC ग्राउंड में संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में की जाएगी। खबर ये भी है कि इस किसान महापंचायत में देश भर से लगभग 5 लाख किसान पहुंचने वाले हैं और यहीं से BJP को UP विधानसभा में डैमेज करने की तैयारी की जाएगी। वहीं इस महापंचायत की जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत को दी गई है। उनकी अगुवाई में ही ये महापंचायत करवाई जाएगी। हालांकि महापंचायत के एक दिन पहले बारिश से मैदान में पानी भर गया, जहां लगभग 250 लोग मैदान से पानी निकालने में जुट गए। वहीं दूसरी तरफ शहर में बड़े बड़े बैनर लगवाए गए हैं, जिनमें लिखा है किसान एकता जिंदाबाद, किसानों की ताकत देखेगा भारत समेत कई बैनरों से शहर को पाट दिया गया है। चारों तरफ लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जिनसे आवाज आ रही है किसान की ताकत देखेगा भारत। इन सब के बीच महापंचायत स्थल पर किसानों के जत्थे भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। इनमें महिलाओं से लेकर बच्चे तक पहुंच रहे हैं। वहीं महापंचायत स्थल पर सुरक्षा के कड़े व्यवस्था इंतजाम भी किए गए हैं। लिहाजा पंचायत स्थल पर मेरठ जोन के ADG राजीव सब्रवाल, DIG सहारनपुर प्रतिंदर सिंह और SSP मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही लगभग 3000 जवानों को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। आपको बता दें कि इस महापंचायत के मसले पर यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ऐसे अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है जो पहले मुजफ्फरनगर में तैनात रह चुके हैं और जिन्हें किसान नेताओं की अच्छी तरह पहचान है। इसके अलावा कई अन्य जिलों से भी अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए बुलाया गया है, ताकि पंचायत स्थल पर किसी भी तरह की घटना दुर्घटना ना हो सके।